आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। स्वागत है आपका एलटी साइंस और पीजीटी बायोलॉजी के पार्ट नंबर 30 में। स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका। मुझे उम्मीद है आपकी जो प्रिपरेशन है एग्ज़ाम की अच्छी चल रही होगी। आप भारत की किसी भी स्टेट में हों, आप तैयारी करते रहें। जो है भर्तियाँ कई स्टेट्स में आ चुकी हैं, कईयों में आने वाली हैं। आप अपनी तैयारी करते रहिए, अच्छी तैयारी कीजिए, अच्छी पढ़ाई कीजिए, मन से कीजिए। कहीं से भी पढ़िए, ज़रूरी नहीं कि आप मेरे चैनल से पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, लेकिन अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें और डेली पढ़ें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले क्वेश्चन मैं पिछले पार्ट में बना चुका हूँ, नहीं देख जाके देख ले प्लेलिस्ट में, या नीचे लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं उनको। इन क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको नीचे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2013 का पीजीटी बायोलॉजी का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। रिलेशनशिप इन इकोसिस्टम कैन बी डिपिसिट थ्रू, एक पारिस्थितिक तंत्र में संबंधों को प्रदर्शित किया जा सकता है किसके थ्रू। यानी देखिए, आपको पता है कि एक इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ एनर्जी भी होता है, पिरामिड ऑफ बायोमास भी होता है, पिरामिड ऑफ नंबर, ये तीनों के तीनों होते तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि यूरिक एसिड इज एक्सक्रीटेड बाय, यूरिक अम्ल उत्सर्जित किया जाता है, यानी कि जो एक्सक्रीशन है वो यूरिक एसिड जो उत्सर्ज जो यूरिक अम्ल में यूरिक एसिड किसके थ्रू एक्सक्रीट किया जाता है, किस में यूरिक एसिड पाया जाता है। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो पिजन होता है कबूतर में। कबूतर में जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होता है वो कौन सा होता है, वो होता है क्या, यूरिक एसिड। ठीक है, ऐसे एनिमल जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, यूरिकोटोलिक एनिमल्स कहते हैं। और जैसे इसका आंसर क्या है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज मेनली ड्यू टू, ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो मेनली किसके कारण होता है, तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यूरिया के कारण। किसके कारण, यूरिया के कारण। फॉर्मूला क्या होता है यूरिया का, NH2CONH2, ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NH2CONH2, और प्रेशर किसके कारण होता है, यूरिया के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय, देखिए फूड पॉइजनिंग किसके कारण से होती है, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, इस बैक्टीरिया के कारण क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम के कारण जो है फूड पॉइजनिंग होती है। जबकि जो ये साल्मोनेला टाइफी के कारण टाइफाइड नामक बीमारी होती है, जबकि क्लोस्ट्रीडियम के कारण जो है क्या होता है, टिटनेस होता है, और विब्रियो कैलोरी के द्वारा क्या होती है, हैजा नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैक्टिन किसकी आईज में पाया जाता है, पैक्टिन इज फाउंड इन द आईज ऑफ, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी पाया जाता है, पैक्टिन पाया जाता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका मेन फंक्शन पैक्टिन का होता है, वैसे इसका मेन फंक्शन अभी पता नहीं है, तो लेकिन जो मेजर फंक्शन होता है इसका वो प्रोटेक्शन देना होता है आईज को। हाईएस्ट क्रेनियल कैपेसिटी इज फाउंड इन, किसकी कपाल क्षमता सबसे अधिक होती है, आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्रोमैग्नोन मानव, यानी कि सबसे बड़ा जो उसका क्रेनियल है, जो कपाल है, जो ब्रेन है, सबसे बड़ा ब्रेन किसमें मिलता है, तो वो आंसर है आपका क्रोमोगेनल मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मिल्क इज चेंज इन टू कर्ड, यानी दूध से दही किसकी वजह से बनती है, तो सबको पता है दूध से दही बनने में लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया जो है हेल्प करता है, कौन सा, लैक्टोबैसिलस नामक हेल्प करता है, तो यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नन ऑफ दीज है उसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन एम्ब्रियोनिक स्टेज एरिथ्रोसाइट्स डेवलप फ्रॉम, एम्ब्रियोनिक स्टेज में एरिथ्रोसाइट्स किससे डेवलप होते हैं, दो डेवलप होते हैं किससे, लीवर एंड स्प्लीन, यकृत एवं प्लीहा से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लीवर एवं प्लीहा से डेवलप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपोनी बैक्टीरियम यील्ड, प्रोपोनी बैक्टीरियम प्राप्त किया जाता है किससे से प्राप्त होता है, तो इससे क्या प्राप्त होता है, प्रोपियोनी बैक्टीरिया से, ये होता है विटामिन B12, यानी प्रोपियोनी बैक्टीरिया जो है विटामिन B12 का एक मुख्य स्रोत होता है। ठीक है, जबकि आपको पता है कि लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में मिलता है, सिट्रिक एसिड विटामिन सी में मिलता है, और विटामिन B6 जो है विटामिन बी का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लेडरबर्ग
लीडरबर्ग रिप्लिका एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन। लीडरबर्ग रिप्लिका जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या जो है सिद्ध करता है, वो करता है सिद्ध क्या, डार्विन्स थ्योरी। जो डार्विन्स थ्योरी है उससे संबंधित है लीडरबर्ग रिप्लिका। ठीक है, लीडरबर्ग रिप्लिका डार्विन की व्याख्या करता है। इसका एक्सपेरिमेंट सर्वप्रथम जेसुआ और लीडरबर्ग ने किया था। इनके द्वारा इन्होंने बताया कि एडेप्टेशन का आनुवंशिक आधार बताया, यानी इन्होंने बोला कि जो एडेप्टेशन होता है एनिमल्स या प्लांट्स में वो क्या होता है, वो जेनेटिक होता है, वो जो है आनुवंशिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है। तो इसका आंसर है येलोस्टोन नेशनल पार्क। तो सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है, येलोस्टोन नेशनल पार्क, जो कहाँ था, जो यूएसए अमेरिका में जो है 1872 में खोला गया था। जबकि भारत का सबसे पहला जो है नेशनल पार्क कौन सा है, वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। कहाँ से है, उत्तराखंड से है, तो मैं भी यहीं से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, और गिर नेशनल पार्क गुजरात में है भारत में। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। और काजीनगर नेशनल पार्क कहाँ है, असम में है, जो अपने जो दो गेंडे हैं राइनोसोरस होते हैं उनके लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 93, मेमोरी ग्लैंड्स विदाउट टीट्स आर फाउंड इन, बिना टीट्स के मेमोरी ग्लैंड किसमें पाई जाती हैं। तो ये आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, प्रोटोथीरिया में। किसमें, प्रोटोथीरिया में जो मेमोरी ग्लैंड होते हैं उनमें जो टीट्स होते हैं वो नहीं पाए जाते, जिससे मिल्क बाहर इजेक्ट होता है, निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वायरल रिप्लिकेशन विद इन सेल इनहिबिटेड बाई, कोशिका में विषाणु के द्विगुणन को कौन रोकता है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, कौन सा, आई एफ एन ए जो है वायरस के रिप्लिकेशन को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पॉलीकीटा द नेचर ऑफ सिटी इज, पॉलीकीटा में सिटी की प्रकृति क्या है, यानी उसका काम क्या होता है। तो इसका काम होता है ऑप्शन नंबर सी, अकर इन बंडल्स, ये हमेशा जो है समूहों में मिलती है, बंडल्स में मिलती है, ऑप्शन नंबर सी। किस जो सीटी है वो किस ग्रुप में मिलती है, वो एनिलिडा फाइलम यानी एनिलिडा ग्रुप के जो है ऑर्गेनिज्म में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्रोडक्शन इन हीमोकॉर्डेट्स इज मेनली, जो हीमोकॉर्डेट्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन मेनली कैसे पाया जाता है। तो उनमें रिप्रोडक्शन होता है मेनली कैसे, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन उनमें होता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबडिटी फॉर्म लार्वा अकर इन द लाइफ साइकिल ऑफ, रेबडिटी फॉर्म लार्वा किसकी लाइफ साइकिल में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एस्केरिस में जो है रेबडिटी फॉर्म लार्वा पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एस्केरिस आपको पता होगा कि जो नेमोटेटा फाइलम का मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि डार्विन्स फिंचेस प्रोवाइड एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन फ्रॉम, डार्विन की फिंचेस प्रमाण देती हैं किसका, वो देती हैं किससे, ऑप्शन नंबर सी, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो डार्विन की फिंचेस हैं जिन पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी भौगोलिक वितरण का एवोल्यूशन में प्रमाण देती हैं, ऑप्शन नंबर सी। 99, विच वन इज द ट्रू फिश, इनमें से कौन सी एक वास्तविक मछली है। तो ऑप्शन नंबर डी, फ्लाइंग फिश को ट्रू फिश बोलते हैं, किसको, फ्लाइंग फिश को ट्रू फिश बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्फीयर इज लिविंग मैटर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कंप्राइसेस, द स्फीयर इज लिविंग मैटर फाउंड इन द सरफेस ऑफ अर्थ कंप्राइसेस, पृथ्वी की सतह को घेरने वाला जीवित पदार्थ का समूह क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं क्या, ऑप्शन नंबर डी, बायोस्फीयर, क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर, ऑप्शन नंबर डी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लार्वल स्टेज इज एब्सेंट इन लाइफ साइकिल ऑफ सिस्टोसोमा, विच लार्वल स्टेज इज एब्सेंट इन द लाइफ साइकिल ऑफ सिस्टोसोमा, तो सिस्टोसोमा में कौन सी जो है लाइफ साइकिल एब्सेंट होती है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए, रेडिया में, कौन सा, रेडिया लाइफ साइकिल इसमें एब्सेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ट्रू सिलम इज एब्सेंट इन विच फाइलम, किस संघ में वास्तविक देह गुहा एब्सेंट होती है, तो है ऑप्शन नंबर ए, निमोटोडा में, किसमें, निमोटोडा में जो है ट्रू सिलम जो है एब्सेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास ऑफ सेल फॉर्म्ड आफ्टर क्लीवेज इज नोन एज, क्लीवेज के बाद बना कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, उसे हम बोलते हैं क्या, मोरूला, क्या बोलते हैं, मोरूला। मास ऑफ सेल फॉर्म्ड आफ्टर क्लीवेज इज नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं, मोरूला बोलते हैं, ऑप्शन नंबर
बी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज के लिए कि हु प्रपोज द टर्म इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का टर्म किसने प्रपोज किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किया था टेंसले ने, किसने, टेंसले ने जो है इकोसिस्टम का जो शब्द था उसका पहले सबसे पहले प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नॉर्मल फंक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस एंजाइम इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस एंजाइम का मेन काम क्या है, इसका मेन काम होता है ऑप्शन नंबर सी टू क्लीव एंड मॉडिफाई डीएनए, डीएनए को काटना तोड़ना और उसको मॉडिफाई करना, ये होता है रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का मेन कार्य, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए कि डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द जाइगोट ऑफ फ्रॉग, मेंढक के जाइगोट में डिप्लॉयड क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, वो होती है ऑप्शन नंबर बी 26 होती है, कितनी होती है 26 होती है। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू।